बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए आज तो ऐलान दोबारा किया उमर अयूब साहब ने कि हम सेंटर में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाएंगे। इससे कबल जो जो लोग इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं वो बयान देते हैं, कभी हम सुनते हैं कि अपोजिशन में बैठेंगे, कभी सुनते हैं दूसरी जमातों के साथ इलहाक होगा, फिर कभी किसी जमात का जिक्र आता है। आखिर ये कंफ्यूजन आप लोग कब खत्म करेंगे? क्योंकि बहरहाल 29 तक तो इजलास तलब होगा ना, और अब हुकूमत साजी एक तरफ तो जारी ही है, आपका अभी पता ही नहीं, बयान ही चल रहे हैं सिर्फ। देखिए पहले लोग कहते थे कि इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, ये इलेक्शन में बर्बाद हो जाएंगे, 25 लोग आएंगे, बड़े बड़े नजूमी बैठे होते थे चैनल्स के ऊपर, सियासी नजूमी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ उल्टा हो गया। अब हम बिल्कुल जायज बात करते हैं कि हमारा मैंडेट हमें दिया जाए तो 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत बनाएंगे, लेकिन हम पीपल्स पार्टी नून की और एनकी के साथ मिलकर कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे, और अगर हम अपना मैंडेट को हासिल ना कर सके जब तक तो वो कुछ शेलू बैठ जाएंगे। बड़ा वादे सा बयान है हमारा। अच्छा, मेजोरिटी हमारी है, अवाम ने वोट हमें दिया है, फॉर्म 45 हमारे पास है, हुकूमत हमारी बननी चाहिए। अच्छा, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र आ रहा था, डॉन के ही जराए बता रहे हैं, उनकी खबर है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ आप लोग शायद जम होंगे, जो आजाद उम्मीदवार हैं, MWM के बजाय सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इज दैट ट्रू? क्या इसके ऊपर हो गया है हतमी फैसला? 90% इसको ट्रू समझिए, लाजिम बात है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो एक फोरम है हमारा, वहां से होगा, लेकिन इट्स ट्रू, ऐसा ही है कुछ।